हेलो दोस्तों, यादिरा फैब्रिक क्रिएशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यदि हमारे पास भी इस तरह के कोई मिठाई बॉक्सेस रखे हैं या मिठाई बॉक्स नहीं है तो कोई भी किसी तरह का कोई बॉक्स है तो उनको कैसे हम इधर उधर फेंकने की बजाय कैसे हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं और कमाल की चीज़ बना सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं दो मिठाई बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले बॉक्स को मैंने ऐसे ही रखा है और जो दूसरा बॉक्स है उसके बॉटम पार्ट को मैं अलग कर लूँगी। और ये जो बॉटम पार्ट मैंने अलग किया है, जो हमारा बॉक्स रेडी होगा उसके बॉटम में हम इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब फेविकॉल से मैं इसके किनारे पर यहाँ पर इसको फिक्स कर दूंगी। आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ग्लू गन बेस्ट होती है। फेविकॉल थोड़ा टाइम लेता है ड्राई होने में, तो मैंने फेविकॉल को यूज़ करके यहाँ पर अपने जो बॉक्स हैं उसको रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जो फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे सूट में से निकला हुआ जो नीचे की तरफ हमारा पल्ला होता है उसमें से ये मैंने पीस निकाला है और ये एक नेट पीस है। तो इसकी जो खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने रेड कलर का यूज़ किया है क्योंकि इस सूट में भी जो मैंने लाइनिंग का यूज़ किया था वो रेड कलर की थी। तो इसी तरह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और साइड में इसकी जो लेंथ थी वो कम थी, तो अलग से मेरे पास सेम इसी फैब्रिक में से पीस बचा हुआ था, तो साइड में इसको मैं ज्वाइंट कर लूँगी। अब सबसे पहले जो मेरा बॉक्स ये मैंने रेडी किया है इसकी मेजरमेंट हम कर लेते हैं। तो साइड से मैंने पहले यहाँ पर इसकी मेज़रमेंट की है और मेज़रमेंट करने के बाद इस तरह से ये 37 आया है। 37 और 36 के बीच में ही है, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा जो हम स्टिचिंग में मार्जिन के लिए लेंगे सिर्फ उतना सा मैं अलग से एक्स्ट्रा लूँगी। और अब बाहर की तरफ से ये 7 है, तो यहाँ मैं 9 लूँगी, लेकिन अंदर की तरफ से भी मुझे फैब्रिक को ज्वाइंट करना है इसलिए मैं पूरा इस तरह से कवर करते हुए 18 इंच अपना पीस कटिंग करूँगी। लेकिन जो ये पीस है मेरा ये इतना नहीं है, ये कम है, तो ऊपर की तरफ मैं अलग एक कोई भी अपना फैब्रिक जो मेरे पास लेफ्ट ओवर कोई भी पड़ा है उसको मैं यूज़ करूँगी। इस तरह से सबसे पहले इन दोनों पीस को मैंने रेडी कर लिया है और इस तरह से जो ऊपर की तरफ भी मैंने एक फैब्रिक को ज्वाइंट कर लिया है। अब जो मेरी जितनी भी मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको इस तरह से रखना है अच्छे से और इसको डबल फोल्ड करते हुए हमें मिलाना है और किनारे पर हमें इसको स्टिच करना है। आप बिल्कुल यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ कर सकती हैं, बट मेरे पास ग्लू गन नहीं थी तो फेविकॉल से बहुत टाइम लग रहा था इसलिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है यहाँ पर। अब हमें बॉक्स को इस तरह से रखना है और जो हमने पीस रेडी किया है और जो अलग से पार्ट है पहले इसको उल्टा ही पीस को रखना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको बाहर की तरफ रखना है और जो हमने लाइट कलर में जो अलग से फैब्रिक को ज्वाइंट किया है उसको अंदर की तरफ रखना है। फेविकॉल का मैं बाहर की तरफ यूज़ नहीं करूँगी, बस नीचे की तरफ इसको फेविकॉल से इस तरह से हमें फिक्स कर देना है बाद में, बट इसको मैं बाद में करूँगी, पहले मैं अंदर वाले फैब्रिक को सेट करूँगी। अंदर की तरफ थोड़ा सा फेविकॉल लगाते हुए इसको अच्छे से हमें फिक्स करना है। अंदर से हमारा बॉक्स बिल्कुल रेडी हो गया है एकदम फिनिशिंग के साथ। अब इसको बाहर से सेट करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की तरफ अच्छे से खींचेंगे ताकि जो इसमें छोटा मोटा जो भी झोल होगा वो निकल जाएगा। अब इसको बॉटम में फेविकॉल से मैं इसको फिक्स करूंगी और ऊपर से इसको फिनिशिंग देने के लिए एक पेपर का यूज़ किया है। पेपर के ऊपर मैंने फेविकॉल लगाकर इसके बॉटम में फिक्स कर दिया है। अब मुझे इस बॉक्स का ढक्कन रेडी करना है और इसके लिए मैंने जो मिठाई वाला बॉक्स है उसी के ढक्कन को यूज़ किया है, बट उसकी थिकनेस इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने कोई भी अलग से कोई बॉक्स लेकर उसका पीस कट करके इसके यहाँ पर फिक्स कर दिया है, तो इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी हो गई है। अब इसको हमें किसी भी कपड़े से कवर करना है। मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर का फैब्रिक लिया है, तो फैब्रिक को किनारे पर थोड़ा सा ग्लू लगाकर मैं इसको फिक्स कर दूंगी। हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से फिक्स हो गया है और इसको बाहर की तरफ निकालते हुए किनारे पर भी मैंने फेविकॉल लगाकर इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब हमें इसके ऊपर का कवर रेडी करना है।
ऊपर के कवर को रेडी करने के लिए मैंने सेम अपने सूट का ऊपर वाले पार्ट के फैब्रिक को यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने जो हमारे बॉक्स का ढक्कन है उसको इस तरह से रखा है और इसकी जितनी मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगाया है। अब इसके बाद जो ढक्कन का जो किनारा है उसको मेजर करना है और ये 1 इंच है, तो मैं 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेते हुए यहाँ निशान लगाऊंगी। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो जो हमने ये निशान लगाया है इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने पीस की कटिंग करनी है। यानी कि जो हमने मार्जिन लिया है वो 1.25 इंच का मार्जिन लिया है। अब इस पीस को कट करने के बाद हमें इसके किनारे को स्टिच करना है। इसके किनारे को स्टिच करने के लिए पहले किनारे को इस तरह से रखना है और ओपन साइड से 1.25 इंच पर ही हमें निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद लाइन को सीधा करते हुए उसके ऊपर स्टिच करना है। चारों ही कॉर्नर्स को हमें इसी तरह से स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा इसमें फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। इस तरह से जो हम अपने फैब्रिक को स्टिच करते हैं, इसके कॉर्नर्स को जो हम स्टिच करते हैं, तो वो हमारा जो ढक्कन है उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको आप स्टिच भी कर सकते हैं, ये आग ग्लू के साथ इसको फिक्स कर सकती हैं। बट मैं इसको थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए यहाँ पर फ्रिल का यूज़ करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप इसको बनाना चाहती हैं और फ्रिल के साथ इसको बनाना चाहती हैं तो आप जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आप इसी तरह से फॉलो करेंगी तो बहुत ही आसानी से आपका ये जो कवर है ये बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैंने फ्रिल रेडी की है हमें अपने जो कवर है उसके साथ इसके किनारे पर अटैच करना है। ये देखिए मैंने अपना जो फ्रिल है वो किनारे से अटैच कर दिया है। अब हमने जो कवर रेडी किया है उसको दोबारा अच्छे से अपने ढक्कन के ऊपर कवर करना है इस तरह से। ये देखिए हमारा ना बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा कवर रेडी हो गया है। अब मैंने फेविकोल को इसके किनारे पर लगाकर जो फ्रिल वाला पार्ट है उसको अच्छे से इसके साथ फिक्स कर दिया है। अब ये जब ड्राई हो जाएगा तो अच्छे से इसके साथ फिक्स हो जाएगा। ये देखिए मेरा ढक्कन और मेरा बॉक्स जो है बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अंदर से आप इसकी खूबसूरती भी आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ ये बना है और बाहर से भी आप इसको देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ढक्कन ये लग रहा है। ये मेरे पास लैस रखी हुई थी तो लैस का मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बताने की भी ज़रूरत नहीं, आप वीडियो में खुद देख सकते हैं। और इस तरह से मेरा एक बॉक्स भी रेडी हो गया है और देखिए इस तरह से मेरे पास ये मिठाई के डिब्बे रखे हुए थे और लेफ्ट ओवर ये फैब्रिक रखा हुआ था, इन्हीं का यूज़ करके ज़ीरो कॉस्ट में मैंने एक ब्यूटीफुल सा एक बॉक्स रेडी कर लिया है। तो आपके पास भी यदि इस तरह से कोई बेकार का सामान पड़ा है बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाकर आप उसको अपने लिए कुछ बेहतर बना सकती हैं, कुछ उपयोगी बना सकती हैं उसको बजाय इधर उधर फेंकने की। तो देखिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया है और यदि आप इसमें कुछ ना भी रखो तब भी आप इसको ऐसे ही कहीं पर रख दोगे ना तो उस जगह की खूबसूरती अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा है, मेरा ये प्यारा सा बॉक्स आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।